अस्सलाम वालेकुम, मैं किंग शेफ शाहिजट और आज आपको बहुत ही अच्छी और बड़ी प्यारी एक रेसिपी आपको सिखा रहे हैं हम। मलाई चीजी मलाई बोटी विद सॉस। सही जी, बहुत जबरदस्त बनती है। अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो फ्राई पैन में बना लें, अगर आप ग्रिल पैन में बनाना चाहते हैं तो ग्रिल पैन में बना लें, मैं ग्रिल पैन में बनाऊंगा। तो चले आए आपको सिखाते हैं चीजी मलाई बोटी विद सॉस। देखें, सबसे पहले तो हमें चाहिए चीजी मलाई बोटी के लिए बॉर्डलेस चिकन बॉर्डलेस ले लें, सीने का आधा किलो हमने ले लिया। इतनी बड़ी बोटी बिल्कुल छोटी नहीं कराइएगा, थोड़ी बड़ी बोटी। ये हो गया हमारा। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा, देखें ये है सॉस, चीजी सॉस। इसकी मैंने रेसिपी अलग से डाली है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर इसके अंदर बहुत लंबी एक वीडियो हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि सर आप इतनी लंबी क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए चीजी विद क्रीमी मिल्की सॉस के नाम से मैंने एक डाल दी है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें से हमें ये भी चाहिए होगा थोड़ा सा, आधा कप के करीब सॉस। अच्छा जी, एक कप हमने मोजरेला और चेटर चीज ले लिया, ये देखिए इनको दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। दही है 100 ग्राम दही, इसको फेंट लीजिएगा अच्छी तरह। 100 ग्राम के करीब फ्रेश क्रीम ले लेंगे, फीकी वाली कोई सी भी। अच्छा जी, 1 टीस्पून एंड द हाफ डालेंगे हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर डालेंगे। अगर कम या ज्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होगी क्योंकि इसके बाद सॉस भी आएगा, चीज भी आएगा, तो इसलिए उसका यानी कि बराबर हो जाएगा सब कुछ। ये हो गया हमारा। ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून एंड द हाफ या फिर 1 टेबलस्पून। ये है पपीता पाउडर 1/2 टीस्पून पपीता पाउडर, क्योंकि ये इसको जूसी बनाएगा। और ये है चाइनीज सॉल्ट, ये ले लें आप 1 टीस्पून। सही जी, बहुत आसान। और ये है ओरिगानो मिक्स हर्बर 1/4 टीस्पून ले लें या 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ले लें, बहुत अच्छा आएगा इसमें फ्लेवर। तो बहुत आसान। ये देखें जी, सबसे पहले हमने दही ले लेना, इसको अच्छी तरह फेंट लें 100 ग्राम या फिर 6 टेबल स्पून दही। तो ये दही चला गया हमारा, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 1 टीस्पून डाल दें, मैं थोड़ी ज्यादा डालूंगा, मुझे अच्छी लगती हैं, आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं या फिर 1 टीस्पून डालें। चैनी सॉल्ट 1 टीस्पून, पपीता पाउडर, देखें पपीता पाउडर इतना सा डालिएगा 1/2 टीस्पून, से भी थोड़ा कम कर दें कोई मसला नहीं। व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून एंड द हाफ। सही, तमाम मसाले, थोड़े से मसाले ज्यादा नहीं है, ये सब डल गए हमारे। पहले हम ये हर्बल भी ले लें आप 1/2 टीस्पून हर्बर, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आएगी, और इसको मिक्स करें। अच्छा जी, नमक रह गया हमारा, नमक कहाँ गया हमारा, थोड़ा कम भूल गया। सही जी, कभी कभी बंदा भूल जाता है, 1/2 टीस्पून के करीब हम नमक डालेंगे अभी, या फिर हसबे जरूरत आप देख लीजिएगा, क्योंकि सॉसेस वगैरह में भी नमक है और चीज में भी थोड़ा नमक होता है, तो उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा। इसको मिक्स करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अंदर जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल,
ये बिल्कुल अलग है, जो पहले हमारी मलाई बोटी की रेसिपियां डली हुई है उससे अलग है ये। सही जी, ये हमारा हो गया। अब हमने इसको चीज की और ये सॉस की बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी हमें नहीं चाहिए। अभी हम इसको रखेंगे तकरीबन आधे घंटे या फिर एक घंटे के लिए, आपने इसको फ्रिज में रख देना। सही जी, तो एक मिनट में आपको बताता हूँ कैसे रखना है इसको। कम से कम एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा और कम से कम आधा घंटा आपने रखना है इसको, बस इससे ज्यादा नहीं रखिएगा। और बाढ़ नहीं रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा ठंडक है आपके शहर में जहाँ आप हैं तो फिर भले बाढ़ पड़ी जाने दें, कोई मसला नहीं है, या फिर इसको डीप फ्रीजर में। सही, ये हो गया हमारा। सही जी, इसको हमने अब फ्रिज में रख देंगे, फिर हम आते हैं आपके पास आधे घंटे के बाद या फिर एक घंटे के बाद, फिर हम आपको बताते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाह, एक घंटा हमने छोड़ दिया था, उधर हमने ग्रिल रख दी है गर्म होने के लिए। अब हम इसको ऐसी, आप नया स्टिक मिल जाती है मार्केट के अंदर। सही जी, अब इस पे हम लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसका मसाला बच जाए वो आपने फ्रिज में रख देना है, बाद में भी आप कोई भी चीज बनाओ तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हम ऊपर भी लगाएंगे इसके मसाला जब इसको हम पकाएंगे। चार चार लगा लें। देखिए, यूं डबल करना है, जो बोटी ऐसी नरम हो उसको डबल कर लेना। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचेगा मसाला। ये देखें, जो ऐसी लंबी है ना, तो इसको आपने डबल कर लेना, जैसे कि आप वो आपने देखा होगा वो लगाते हैं ना उसके बिहारी कबाब, उसमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं सीख पे, उस तरह से आप इसको। सही जी, हमने सारी लगा ली, अब हम इसको ग्रिल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ग्रिल हमने गरम कर ली है, अब इसमें हम रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे, पहले तेज रखेंगे ग्रिल को, फिर हम इसको स्लो कर देंगे थोड़ा, ताकि नीचे से गले ना, यानी कि जले ना। सही, ऑयल दरमियाना लगाना है, ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है।
तो ये जो मसाला है थोड़ा थोड़ा वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे। तो ये अब हम सिलो कर देंगे आप बिल्कुल। अब सिलो में पकाएं इसको, पलटे इसको। अच्छी बात है, इसको पकने दे आराम से ताकि इतनी भी सिलो ना करें कि बिल्कुल बिल्कुल दरमियानी कर दें यानी कि। अब हमने जो मसाला हमारा बचा हुआ है इसको थोड़ा ऊपर लगाने से दो मिनट के लिए बंद कर दें इसको। सही है, अब इसको आपने दरमियानी आँच कर दें। सही है, बिल्कुल सिलो आँच करके दो मिनट के लिए इसको बंद कर दें ताकि ये अपनी स्टीम में पके और फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी, इसको देखें, इस साइड पे करना है तो इसको ऐसे आपने करना है। सही है, चारों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह कर लेना। सही जी, अब हमने चूल्हा तेज कर दिया। फर्स्ट क्लास गल चुकी है ये। अब दोनों साइड से आपने कलर डलाना है इसको और उतार। ऐसे खड़ा कर देंगे आप ताकि चारों तरफ से हो जाए आपको। सही है, अब हमने फुल आग कर दी है। हम इसको निकालते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपने इसको ग्रिल कर लेना। सही जी, हमारी मलाई बोटी स्टिक तैयार हो गई है। अब देखें, हम ऐसे ले लेंगे इसको, हम निकाल देते हैं इसमें से। ये ऐसे करके दिखाएं और गरम 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 नहीं निकालना है तो आपने ये ले लेना है।
जी एकदम फर्स्ट क्लास गली भी है हमारी बोटी। क्या जल्दी भाई गोट, ओ माय गॉड, गरम है। चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, गरम है थोड़ा। ये हो गया हमारा, अच्छा जितना भी इसका ये हमारा जो है इसमें ये देखें जो चिपका हुआ है सब उतार देना, तो फेंकना नहीं, यही फ्लेवर है जो नीचे लगा हुआ है ज्यादा उसको रहने दे। इसका काम खत्म हो गया, उसको करते हैं। अब हमने ये जो है हमारा मसाला, वो तकरीबन हमने सारा मसाला ही डाल दिया है इसके ऊपर ना, जो बचा था ना सब लगा के उसको हमने कर लिया। सही, अब ये हो गया हमारा, इसको हम दोबारा आप धो के रख सकते हैं इसको तैयार, यानी कि फिर इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। जी अब हमारा ये जो सॉस हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा सॉस का मतलब होता है कि वो उसके ऊपर जिस चीज पर डालो तो उसके ऊपर से वो नीचे आए, ये थोड़ी कि वो जम जाए। चलिए ये हो गया हमारा सॉस। अब हमने ले लिया ये हमारा चीज है चेटर्स और मोज़रेला, ये सारा चीज चला गया हमारा। अब हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना, सही जी ये हो गया हमारा। अब हम इसको रखेंगे, या तो आप इसको माइक्रोवेव ओवन में रखें, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो फिर गैस ओवन में भी आप रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए बस हमने ऊपर की ग्रिल चला लें आप, या फिर दोनों ऊपर नीचे की ग्रिल चला लें, तो हम इसमें रखते हैं इसको माइक्रोवेव ओवन में। बंद करो, हमने इसमें रख दिया है ओवन में माइक्रोवेव में, इसको हम बंद करते हैं बिस्मिल्लाह। 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत है ऊपर वाली ग्रिल। क्योंकि ये हम लेके इसीलिए आए ताकि आपको इसमें भी नई नई रेसिपियां बनानी सिखाएं। अभी जो सीधी बात है भाई, मेरे को भी सही से समझ नहीं आया ये, इंशाल्लाह जैसे जैसे समझ आएगा वैसे जैसे हम कोशिश करेंगे आपको केक और हर चीज इसमें भी बनाना सिखाएं। ये नया आया है इसका, यानी कि ऊपर भी ग्रिल चलती है और नीचे भी, तो ऊपर का चलाना चाहे ऊपर का चला दें या दोनों मिक्स करके चला सकते हैं आप। सही जी, ये 1 मिनट हो जाता है तो फिर हम आते हैं आपके पास।
बल्कि हो गया, एक मिनट अब आप देख ही लें, देखते हैं कि अभी ये देखें जी, इसको थोड़ा सा भी हम और चलाते हैं ताकि थोड़ा सा और ये हो जाए, एक मिनट और हम रखते हैं इसको, थोड़ी सी ऊपर ग्रिल चलाएं आप इसका ऊपर का, एक मिनट और लगा दें, सही जी, दो मिनट के लिए हमने इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरह इसका चीज मेल्ट हो जाए, हो सके तो शायद ऊपर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो क्या बात है। बहुत मजे की बनेगी, बच्चे, बच्चों के अब्बू, बच्चों के मामू, बच्चों के नानू, बच्चों के दादू सब खाएंगे और मजा आ जाएगा, और इतनी नरम मलाइम और इतनी जूसी होगी कि जिनके मुंह में दांत भी नहीं वो भी खा लेंगे पप पप करके, कहेंगे ओ क्या बात है। सही जी, इसीलिए मैंने सॉस की नहीं डाली क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको ये सॉस डालना है तो सॉस की रेसिपी भी आज डल जाएगी इंशाल्लाह ताला, उसका नाम होगा चीजी यम्मी मिल्की सॉस, बहुत अच्छा सॉस है ये भी आप देख लीजिएगा, पहले सॉस बना लीजिएगा फिर ये रेसिपी बनाइएगा, इसको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला खा के, ये आप नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाना खाते हैं, चावल के साथ खाएं, किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। ये हो गया हमारा चीजी, देखें जी फर्स्ट क्लास और जबरदस्त बन गई हमारी ये चीजी मलाई बोटी विथ सॉस। तो अब आपने फॉर यानी कि ग्रिल, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने कोई भी जो घर का सॉस बन होता है ना उसके अंदर हल्का ऑयल के अंदर आप इसको शैलो फ्राई करेंगे और फिर इस तरह से आप करेंगे, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आपने इसको गैस ओवन में रख सकते हैं, अगर गैस ओवन भी नहीं है तो फिर आपने एक पतीले के अंदर जैसे केक बनाते हैं वैसे दो चार से पांच मिनट के लिए रखें। तो हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं इसको बंद करें, सही जी देखें जबरदस्त बेहतरीन खाने के लायक, ये आप बिल्कुल खाएं इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा, मैं खाता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ हाँ बहुत गर्म और बहुत गुख, बहुत जूसी है और जबरदस्त है, थोड़ा सा जैसे ये हमारा भी गरम गरम है, थोड़ी सी इसको हवा लगेगी फिर आप इसको खींचेंगे तो हो क्या बात है। मैंने पंखा चला दिया, अब इसके साथ ही आपने हमारे चैनल पे आना है किंग शेफ शाहिद जट जीए पाकिस्तान, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 0315 000499, 0315 000499। इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए आपने ये देखें ये जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो फिर इसके अंदर इसकी ये तारे बनेंगी, ये अभी गर्म है इसलिए तार नहीं बन रही इसकी, जैसे ठंडा होगा तो फिर इसको आप खींचेंगे तो इसकी तारे निकलेंगी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तारे बनानी तो फिर खाली आप इसमें मोज़रेला डाल लें। तो इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए पाकिस्तान, जिए पाक आर्मी, जिए पाकिस्तान।